शहडोल के नगर परिषद बुढ़ार में नव निर्वाचित अध्यक्ष शालिनी सरावनी से खास बातचीत की संवाददाता निखिल शुक्ला ने। बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी शालिनी सरावगी को दूसरी बार नगर परिषद बुढ़ार की अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि शालिनी ने चुनाव जीतकर आने पर जनता और पार्षदों का आभार व्यक्त किया। नगरीय निकाय चुनाव के सभी नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की घोषणा की जा चुकी है। नगर परिषद बुढ़ार की अध्यक्ष शालिनी ने बताया कि क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। नमस्कार, आज आपकी हम मुलाकात कराने जाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो वर्तमान में कई महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है और नगर परिषद बुढ़ार के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कई प्रकार के जनसेवा कार्य से लगातार ये जुड़ी रहती हैं और लगातार जनसेवा कार्य से मिलकर इन्होंने बुढ़ार में प्रमुख लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके इस बार का अध्यक्ष चुनाव जीता है। आइए जानते हैं कि क्या विशेष मुद्दे होंगे इनके चुनाव जीतने का, बुढ़ार किस तरीके से सजाएंगी सवेरेंगी। हमारे साथ मौजूद है श्रीमती शालिनी सरावगी जी, आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूंगा कि चुनाव कैसा भी हो, चुनाव में काफी मेहनत लगती है, लगन लगती है, इस बार आपने काफी मेहनत की और लास्ट में जन समर्थन जन आशीर्वाद मिला, किस तरीके से देखते हैं उसको आप? मैं तो यही देखूंगी कि जो चुनाव होता है वो आपके विश्वास का और आप लोगों की आपके प्रति आस्था का चुनाव होता है। और इस बार की जो प्रणाली अलग तरीके की थी, पहले मैंने जनता से सीधे अपना समर्थन मांगा तो वार्ड नंबर 3 से जनता जनार्दन ने मुझे विजयी बनाया। उसके बाद जब अध्यक्ष की बात आई तो जो जनप्रतिनिधि थे, जनता ने जिनको अलग अलग वार्डों से भेजा था, उन्होंने भी मुझ पर विश्वास जताया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। शुरुआती दौर से चुनाव के इस बार आपको अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा था, पार्टी ने आपका सहयोग दिया, आपको समर्थन दिया, उसके बाद जिस दिन चुनाव के परिणाम आए, पहले ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि आप चुनाव आमतौर से एक विशेष रूप से जीतेंगे, किंतु लास्ट में ऐसा हुआ कि कठोर रूप से चुनौती का सामना करना पड़ा, उस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, चुनाव कोई भी हो हमेशा चुनौती ही रहती है। मुझे ऐसा विश्वास था कि जो मैंने पिछले कार्यकाल में काम किए हैं और जो हमारी पार्टी के लोग हैं, मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे बीजेपी के पार्षद आए, उन्होंने मेरा पूरा पूरा साथ दिया और उन्होंने कहीं पे भी छल कपट नहीं किया। तो हमारे लोग, हमारे संगठन हमारे साथ खड़ा रहा। और मैं यही कहूंगी कि जिनको भी मुझ पर विश्वास था या उन्होंने जो एक आस्था मुझ पर रखी थी, वो फलस्वरूप सामने आई और मुझे अंत में विजय घोषित किया गया। चूंकि बुढ़ार में चुनावी वार्ड 15 थे, लास्ट में वोट के परिणाम 8-7 के रूप में आए, जब पार्षद से चुनाव हुआ तो 8 सीटें बीजेपी के पास थी, और निर्दलीय की क्या ऐसा माना जाए कि एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली, उसका प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण अभी ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कारण क्या थे, क्योंकि इस बार जो प्रणाली थी वो थोड़ी सी अलग प्रणाली थी और हम लोग एक स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देते हैं और हम लोग ने जो भी कार्य किए स्वच्छता के साथ किए, कोई भी उसमें ऐसी बातें नहीं आई जिसमें कुछ गलत संदेश जनता को जाए। और ये मेरा परिणाम बताता है कि हम लोग ने एक स्वच्छ नियत के साथ, स्वच्छ छवि के साथ जो काम किया था, तो उसी स्वच्छता के साथ हमको वो वोट मिले। चुनावी परिणाम के एक दिन पहले कई प्रकार के उलटफेर देखे गए, साथ में पार्टी के अंदर ही कुछ 2-3 चेहरे के नाम आ रहे थे लगातार, उसके बाद आपको चुना गया, रात के लेट देर रात डिसीजन आया, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, संगठन हर पक्ष पर बड़े पहलू, हर पहलू पर बड़े अच्छे से अपना पक्ष रखता है और संगठन बहुत सारी चीज़ें देख के चलता है, उनकी अपनी रीति नीति होती है, उनका अपना चुनने का तरीका होता है और हर व्यक्ति जो यहाँ पर कार्य करता है, हर कोई कहीं ना कहीं अपने लिए एक मनोभाव रखता है कि मुझे इस पद पर आसीन किया जाए और ये कोई गलत भी बात नहीं है, हर व्यक्ति का अधिकार है ये। लेकिन संगठन का एक चेहरा सामने लाना, ये संगठन की अपनी कुछ समीकरण होते होंगे, संगठन का अपना कुछ होता होगा, तो उन्होंने मुझको वहाँ पर बनाया एक चेहरा भाजपा का, उसके लिए मैं संगठन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनने मुझ पर जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनके विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी, ऐसा मैं आश्वस्त करती हूँ। बुढ़ार में अब आगे ऐसे क्या विशेष मुद्दे होंगे जिनको आप संवारेंगे सजारेंगे? देखिए, सबसे प्रथम जो मेरा मुद्दा रहेगा वो नल जल योजना, जो हमारी अभी पेंडिंग चल रही है और
जो अमृत पाटू हमारी सरकार ने अभी दिया है, मैं चाहूंगी कि घर घर हम लोग मीठा जल पहुंचा सकें। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। साथ ही साथ रोड निर्माण, बिजली आपूर्ति के जो संकट अभी इस समय चल रहे हैं, उस पर मेरी कार्यशैली जरूर रहेगी। और साथ ही साथ जो हमारे तालाब बिना साफ सफाई के पड़े हुए हैं, जिनका सौंदर्यीकरण पर कार्य होना चाहिए, मैं उनको जरूर गति दूंगी। नगर परिषद बुढ़ार के आप दूसरी बार अध्यक्ष बने, कुछ पहले विकास कार्य आपने कराए थे, तभी जन समर्थन जन आशीर्वाद दोबारा मिला आपको। इस बार क्या विशेष सहयोग देखती जनता से, क्या सहयोग मिले आपको? और कई सारे मुद्दे हैं, न केवल नल का मुद्दा, पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा भी कई जगह पर है, बिजली का मुद्दा इसमें बुढ़ार से ज्यादा है। उसको कैसे आगे सुचारू रूप संचालित करेंगी आप, अगर आगे जुड़ती हैं उस चीज को? जुड़ते के आप तो जुड़ी चुके हैं जी भैया, और मैं तो चाहूंगी कि जो भी यहाँ की समस्या है उनको अपनी माननीय विधायिका जी से भी मैं अवगत कराऊं, और उनका कैसे हल निकल सकता है, उनका कैसे हम जनता तक ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, उसके लिए मैं कटिबद्ध प्रतिबद्ध भी हूँ। और मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करती हूँ कि जो भी मेरी तरफ से सहयोग लगेगा, जो भी मेरी तरफ से मेरी चीजें आएंगी, मैं उनको ऊपर लेवल तक पहुंचा के उनका एक रास्ता निकाल के लोगों को वो सुविधा मुहैया जरूर करवाऊंगी। नगर परिषद बुढ़ार की जनता से आपको अपार जन समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, उनके लिए कुछ ऐसे शब्द जो उनको मार्गदर्शित कर सकें या उनको परिकल्पित कर सकें? मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपका जो असीम स्नेह, प्रेम और सहयोग मेरे प्रति जो रहा है, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये बहू, ये बेटी आपके साथ हर पथ पर खड़ी रहेगी। जहां पर भी आपको लगता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप से आपको मेरी जरूरत है, जहां पर मैं आपके काम आ सकती हूँ, मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगी हर कदम। और इसको ये ना माना जाए कि ये साथ केवल 5 साल का रहेगा, ये जी साथ हमारा जब तक मैं हूँ, जब तक आप लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, जब तक आपको लगता है कि शालिनी आपके लिए अंतिम बूंद तक अपने अपने रक्त रक्त आपके साथ रहेगी, आपका साथ निभाती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझ पर असीम आशीर्वाद जो दिया है, उस पर मैं खरी उतरूंगी। चलिए, हमारी साधना भी, जो हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। आप यूं ही विकास को आगे बढ़ाएं और नगर परिषद बुढ़ार को अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचाएं। थैंक धन्यवाद यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, नमस्कार।